देखो अब ये तो ये लेफ्ट वाले रैंप के पिलर हैं दोस्तों। देखो इन पर भी पियर कैप बना लिए जा चुके हैं और बीच वाले कैरेज वे पे भी बना लिए जा चुके हैं। पियर कैप का काम किया जा रहा है दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें, और यहाँ से ये गाटर लॉन्चिंग स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, जो कि आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में लॉन्च किया जा रहा है दोस्तों। फिर तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब, आइए आप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। कल की वीडियो में आप सभी ने देखा था कि किस तरीके से ये रेड लाइन मेट्रो को क्रॉस करेगा और इंडियन रेलवे को क्रॉस करेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। और हम आज दिखाने वाले हैं आपको शास्त्री पार्क और खजूरी पुस्ता। तो चलते हैं ना देर करते हुए दोस्तों, बने रहिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। और उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक पिलर ये बचा हुआ जिसका फाउंडेशन पहले ही बन गया था। देखो ये फाउंडेशन बन गया है, अब इसमें रिंग लगाएंगे और रिंग लगाने के बाद में इसमें कॉन्क्रीट भर देंगे, पिलर को खड़ा कर देंगे दोस्तों। और ये बारे सारे शास्त्री पार्क वाले जितने भी पिलर थे वो सारे बनके कंप्लीट हो चुके हैं, बस एक ही पिलर बचा हुआ है दोस्तों। अब इन पर बस सेटिंग लगा के और बस पियर कैप का काम किया जाना दोस्तों। ये वाला पिलर बचा था, देखो इसमें भी सेटिंग लगा के कंक्रीट भर दिया, यानी कि ऊँचा कर दिया। और यहाँ पर इन पिलरों की हाइट इसलिए देखने के लिए मिलेगी कि पीछे तो आप लोगों को एक तो रेड लाइन मेट्रो को क्रॉस करेगा, दूसरा इंडियन रेलवे को क्रॉस करेगा। और आपका सामने आगे जैसे ही हम आगे चल रहे हैं ना दोस्तों, वहाँ पर एक फ्लाईओवर को क्रॉस करेगा दोस्त। इसीलिए यहाँ पर गगनचुंबी ये पिलर आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। और देखो यहाँ पर पियर कैप बनाने का भी सेटिंग लगा दिया, देखो पियर कैप बनाए जाएंगे दोस्तों। एक तो पिलर के ऊपर ही ऊपर पियर कैप बनाए जाते हैं और एक इस तरीके से बनाए जाते हैं। देखो आप लोग तस्वीरें देख लिया ना आप लोगों ने। और ये जो जगह है दोस्तों, ये है शास्त्री पार्क, और जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है दोस्तों वो है गावर कंस्ट्रक्शन, और उसी का यहाँ पर ये देखो मटेरियल यार्ड है, कंस्ट्रक्शन यार्ड यहीं पर है, ये गावर कंस्ट्रक्शन का ही दोस्तों। और जो रूट है इसका, ये रूट दोस्तों 210 किलोमीटर का रूट है, दिल्ली के अक्षरधाम टेम्पल से स्टार्ट होता है और ये देहरादून जाके ख़त्म होगा। और जो इसकी कोस्ट है दोस्तों वो है 13,000 करोड़ की लागत से इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। ये 38 किलोमीटर रोड दोस्तों ब्राउन फील्ड है, यानी कि एनसीआर में आता है, दिल्ली एनसीआर में दोस्तों, और ग्रीन फील्ड एरिया खेतों से निकल के जाता है दोस्तों, जिसमें से 12 किलोमीटर का पार्ट दोस्तों नेशनल 12 किलोमीटर का पार्ट दोस्तों राजा जी नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो किस तरीके शास्त्री पार्क में यहाँ पर अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो पिलर का, जो पिलर के ऊपर पियर कैप बनाए जाते हैं वो सेटिंग लगा दिया, वो ही बनाए जा रहे हैं पियर कैप दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक फ्लाईओवर को क्रॉस करेगा दोस्तों, ये है फ्लाईओवर, ये लेफ्ट में तो जाता है कश्मीरी गेट और राइट में चला जाता है सादरा के लिए दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, नज़ारा क्या ही खूब है दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखते रहो, केपी संत लाता रहता है, इंफॉर्मेशन देता रहता है आप लोगों को। जहाँ भी एनसीआर में अभी रोड बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, तो ये सब के आप लोगों को केपी संत के चैनल पर वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत इसी तरीके से आप लोगों के बीच में अपडेट्स लाता रहता है, आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियोज़ कैसे। यहाँ पर यह इंटरचेंज बनाया गया है दोस्तों, देखो ये इंटरचेंज का, इस पर ऊपर चढ़ने के लिए दोस्तों, देखो ये इंटरचेंज है इस साइड का, लेफ्ट साइड का, ये देखो ये इंटरचेंज बनाया जा रहा है, यहीं साइड में रोकना दोस्तों। देख सकते हो तस्वीरें, यहाँ पर ये इंटरचेंज बनाया गया है, पिलर आप लोग देख सकते हो, देखो 1, 2, 3, 4 पिलर ऐसे ये घूमेगा ऊपर की साइड में दोस्तों, इस तरीके से ये ऊपर देखो, और ये यहाँ पर आ जाता है और ये देखो इस पर चढ़ जाता है, कहाँ पर, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के ऊपर चढ़ जाएगा दोस्तों। और चढ़ने के बाद में फिर ये एलिवेटर सेक्शन पर आप सीधे आप लोगों को देहरादून जाकर उतारेगा दोस्तों। देखो यहाँ से ये इंटरचेंज बनाने का काम किया गया है, वो मेन लाइन है,
देखो वो मेन कैरिज वे है दोस्तों, जिस पे सिक्स लेन एक्सिस कंट्रोल्ड होने वाले हैं दोस्तों, जो यहाँ से ये गीता कॉलोनी में जाकर रुकेगा, गीता कॉलोनी में जाकर उतर जाएगा। यहाँ पर ये देखो किस तरीके से ये पियर बनाए गए हैं, मतलब इनको और थोड़ा सा गहरा कर दिया, देखो उसमें छेद कर कर के पियर में, और फिर इसमें सरिये लगाए गए, और देखो किस तरीके से यहाँ पर अब इसको और चौड़ा किया जाएगा। तो इस तरीके से ये काम किया जा रहा है यहाँ पर, और ये देखो सीधा कश्मीरी गेट के लिए ये रोड जाती है दोस्तों, ठीक है। उधर की साइड में है शास्त्री पार्क, इस साइड में है खजूरी पुस्ता दोस्तों। ये अभी हम खजूरी पुस्ता पे ही खड़े हुए हैं, तो अब मैं आप सभी के इंटरचेंज दिखा रहा था किस तरीके से इंटरचेंज बनाया गया है यहाँ पर, देखो आप लोग तस्वीर है। चलते खजूरी पुस्ता के लिए, जिस पे इस पिलर को भी अभी इन पिलरों को ऊँचा किया जाएगा, ऊपर की साइड में बढ़ाया जाएगा। देखो सेटिंग लगी हुई है, इनको बढ़ाने का काम किया जा रहा है, अब इसमें कंक्रीट भर के बढ़ा दिया जाएगा, और इन पर पियर कैप का काम किया जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, दिखाते चल के। देखो इस पर गाटर लॉन्चिंग कर दिया, अब इनको देखो गाटरों को जोड़ा जा रहा है, जोड़ने के बाद में इस पर फ्लोर वर्क का काम किया जाएगा, जैसे उस साइड में किया जा रहा है दोस्तों, इसी तरीके से किया जाएगा। तो चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप सभी को नज़ारे आगे। देखो अब ये तो ये लेफ्ट वाले रैंप के पिलर हैं दोस्तों, देखो इन पर भी पियर कैप बना लिए जा चुके हैं, और बीच वाले कैरेज वे पर भी बना लिए जा चुके हैं, पियर कैप का काम किया जा रहा है दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें, और यहाँ से ये गाटर लॉन्चिंग स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, जो कि आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में लॉन्च किया जा रहा है दोस्तों। फिर अब एक तो दोस्तों ये लेफ्ट वाला इंटरचेंज बनाया गया है, और राइट वाला तो ये मेन कैरिज वे ही है, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, पियर कैप बना के आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में लॉन्च कर दिया दोस्तों। अब इसमें फ्लोर वर्क किया जाएगा दोस्तों, बस ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में फिनिशिंग का काम किया जाएगा, और फिनिशिंग हो जाने के बाद में इसमें ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा दोस्तों, यानी कि सिक्स लेन एलिवेटर रहने वाली है, और सिक्स लेन ग्राउंड लेवल पर रहने वाली है। जो ग्राउंड लेवल पर रेल रहेगी दोस्तों वो तो रहेंगी लोकल ट्रैफिक के लिए, और जो एलिवेटेड पार्ट होने वाला वो है एक्सिस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे होने वाला है दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। तो आप लोग बताओ आप सभी को ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, के पी संत के चैनल पर ऐसे ही वीडियोज देखो, के पी संत लाता रहता है, आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर ये सेटिंग लगाई जा रही है, किसके लिए, जो फ्लोर वर्क किया जा रहा उसके लिए दोस्तों। और यहाँ पर ये हाई टेंशन ये लाइन आ रही है ऊपर, तो इसको शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाना है दोस्तों। देखो ये आ रही है ना, तो यही नज़ारे हैं देख सकते हो, और साइडों में ये ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जा रहा है दोस्तों, और बीच का डिवाइडर भी बनाने का काम किया जा रहा है। तो दिखाते हैं आगे चल के, देखो कहाँ पर काम चल रहा है इसको, ड्रेनेज को और बीच के डिवाइडर को बनाने का दोस्तों, वो आप लोगों को आके देखने के लिए मिलेगा। जो आई गटर आते हैं दोस्तों, देखो वो इस ट्रक में आते हैं, देखो कितना लंबा चौड़ा है ये ट्रक, इसी में आई गटर मतलब कि कंस्ट्रक्शन यार्ड से लेकर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर लॉन्च करते हैं। तो देख सकते हो आप लोग साइडों में किस तरीके से यहाँ पर ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, लेफ्ट हैंड पे तस्वीरें देख सको कि ये ड्रेनेज बनाया जा रहा है देखो आप लोग, और राइट में देखो ये बीच का डिवाइडर बना दिया है, अब इसमें मिट्टी भर के और इसमें पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे दोस्तों। और आगे एक इंटरचेंज वो उतरने के लिए भी एक रैंप बनाया गया दोस्तों, वो भी आप लोगों को आगे दिखाते चल के आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर, केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। देख सकते हो ये रैंप बनाया गया है, यानी कि इस एलिवेटेड हिस्से से नीचे उतरने के लिए, यानी कि सादरा जाने के लिए और शास्त्री पार्क जाने के लिए या कश्मीरी गेट जाने के लिए दोस्तों, यहाँ पर ये रैंप बनाया गया उतरने के लिए, इस एलिवेटेड हिस्से से नीचे उतरने के लिए दोस्तों।
देखो आप लोग तस्वीरें, ये तो है उतरने के लिए, और जैसे ये ख़त्म हो जाएगा वैसे ही ये चढ़ने के लिए भी आगे, तो वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को। तो इन्जॉय करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों ये देखो तस्वीर है, ये राइट में पिलर चमक रहे हैं बिल्कुल लास्ट में, देखो यहाँ से ये मतलब कि चढ़ने के लिए है इस एक्सप्रेसवे पे ऊपर, यानी कि एलिवेटेड हिस्से पे चढ़ने के लिए, जो जिन्हें आप लोगों को बता दूं कि गांधीनगर गीता कॉलोनी और अक्षरधाम के लिए जाना है दिल्ली के लिए सरायकाले खां के लिए, तो इसी रैंप पे चढ़ेंगे दोस्तों, और ये खजूरी खास से आएंगे दोस्तों, जो खजूरी खास का जो चौराया है वहाँ से ये वाहन आएंगे और इस रैंप का सहारा लेंगे ऊपर चढ़ जाएंगे, अगर नीचे जाम में नहीं फंसना है तो दोस्तों, तो उसी के लिए यहाँ पर ये देखो ये रैंप बनाया गया है चढ़ने के लिए, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लग रहा है केपी संत के चैनल पर दोस्तों, अच्छा लगे तो हमें लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, प्यारा सा कमेंट कर दिया करो मेरे प्यारे दोस्तों, यार इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के बीच में यार, फिर भी आप लोगों को थोड़ी सी दया नहीं आती है क्या, बंदा ग्राउंड लेवल पर जाकर धूल मिट्टी में सबका सामना करना पड़ता है, और फिर आप लोगों को अपडेट देता हूँ दोस्तों, तो थोड़ी सी तो आपको वो करना पड़ेगा यार, ऐसी बात नहीं है दोस्तों, आने वाले टाइम में आप लोगों को क्वालिटी के साथ में और ड्रोन के साथ में फोटोज देखने के लिए मिलेगी केपी संत के चैनल पर दोस्तों, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो भाई को यार, सपोर्ट करने में क्या ही जाता है आप सभी का है, सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं जाता भाइयों, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, तभी तो मैं आप लोगों के बीच में क्वालिटी ला पाऊँगा और अपने आप को सुधार पाऊँगा, तो आप लोग थोड़ा सा आप कोशिश करो, थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ, और बस काम हो जाएगा दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीर है, अब आप लोगों की यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड पे जो पिलर देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, ये रैंप बनाया जा रहा है कहाँ के लिए, ये इंटरचेंज है, यानी कि ये इंटरचेंज का रैंप बनाया जा रहा है, देखो किस तरीके से गाटर लॉन्चिंग की जा रही है यहाँ पर, और साइडों में ये रैंप बनाया जा रहा है कहाँ के लिए, जो सिग्नेचर ब्रिज और ये आपका चंडीगढ़ जाने के लिए दोस्तों, सिग्नेचर ब्रिज पे यहाँ से ये रैंप दिया गया है, यानी कि ये लेफ्ट में वाहन चले जाएंगे इस एक्सप्रेस वे से जो दिल्ली अक्षरधाम से चढ़ेंगे दोस्तों,
वो कश्मीरी गेट था, ये कश्मीरी गेट वाले रास्ते थे, यहाँ पर शास्त्री पार्क वाले थे, वहाँ से चढ़ेंगे। अगर वहाँ पर उतरना है तो इस रैंप का सहारा लेंगे दोस्तों, और ये चले जाएंगे सीधे सिग्नेचर ब्रिज पे ऊपर, और चले जाएंगे सीधे अम्बाला चंडीगढ़ के लिए दोस्तों। जिन्हें जाना है वो इसी रैंप का सहारा लेंगे दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो गगनचुंबी, आप लोगों को यहाँ पर ये पिलर देखने के लिए मिलेंगे, और उनके ऊपर पियर कैप बनाया जा रहा है। नज़ारा ही देखो क्या ही अद्भुत है मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसा नज़ारा आप लोगों ने देखा है कहीं? नहीं देखा है तो देख लो इस वीडियो में। और भाई आप लोगों के बीच में लाता रहता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो भाई को। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियो देखते रहो भाई के चैनल पर दोस्तों। भाई लाता रहता और आप लोगों के इन्फॉर्मेशन देता रहता। आप लोग तस्वीरें देखो क्या ही अद्भुत नज़ारा है, ऐसा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा नहीं। देखो आप लोग नज़ारा, भाई साहब गगनचुंबी, आ हा वाह भाई वाह, क्या नज़ारे हैं दोस्तों। देखो एक तो इतने ऊंचे ऊंचे ये पियर हैं, और उनके ऊपर पियर कैप बनाया जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें देखो भाई साहब, देखने में ही इतना ही आनंद आता है, क्या ही बताएं आप सभी को। तो ये खजूरी खास का चौराया आ जाता है, और ये देखो फ्लाई ओवर है दोस्तों, जिसको ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे क्रॉस कर रहा है। एक तो फ्लाई ओवर को क्रॉस कर रहा है, दूसरा यहाँ पर यह पिंक लाइन भी इसके बगल से ही बनाया जा रहा है दोस्तों, उसको भी क्रॉस करेगा। और ये देखो ये रैंप उतर जाता है, लेफ्ट में चला जाता है सिग्नेचर ब्रिज के लिए दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सारे पिलर का जो हाइट था वो हटा दिया गया है, अब इन पर बस पियर कैप बनाए जाने, और पियर कैप बन जाने के बाद में फिर तो आपको पता ही है क्या है, गाटर लॉन्चिंग स्टार्ट हो जाएगी, और गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में फिर फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, और बस बायोडक्ट जुड़ जाएगा दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें, उधर भी है, मतलब कि ये पुस्ता पे भी है और खजूरी पुस्ता पे भी है दोस्तों। ये तो पुस्ता है जो सामने वाला चमक रहा है, और पीछे वाला था खजूरी पुस्ता। देखो यहाँ पर किस तरीके से पिंक लाइन का काम किया जा रहा है, तस्वीरें देख सकते हो। यहाँ पर कौन कुछ लेवल बना लिया था पहले, या प्लेटफॉर्म लेवल बनाया जा रहा है पिंक लाइन का दोस्तों, और इस पर यहाँ पर यह पियर कैप का काम भी किया जाना है दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को कैसा वीडियो लगा आप लोग हमें नीचे कमेंट करके बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं।